बच्चों जय श्री जी भाई 33 भाई 90 यजेंद्र सर। तो एक्सीलरेटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन, इसके दो पार्ट एक्सीलरेटरी सिस्टम जो प्रोवाइड करवाई और आज दूसरा पार्ट अपना लोकोमोशन मूवमेंट एंड लोकोमोशन का रहेगा। ठीक है, तो संकल्पित रहें आप, समर्पित रहेगी सीएलसी इस मुहिम के तहत। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2020 का सीएलसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और कुशलतापूर्वक जो है 12th का सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ तो अपन ने एक फेज जो है 22 नवंबर को 12th का कंप्लीट भी कर दिया था और इसी प्रकार अब हर सप्ताह एक एक फेज जो है वो लैंड होता जा रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट जिसने 2021 में जिसको नीट देना है या कोई बच्चा जिसने 2020 में 10th पास किया है, अगर उन्होंने भी अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, क्लासेज स्टार्ट नहीं किए हैं, तो ये दिन सर बच्चों को एडवांस में अपन बता दें कि 17th ऑफ दिसंबर को हमारा अगला बैच चालू हो रहा है और लास्ट बैच जो है वो 24 दिसंबर को रहेगा। ये जो बैचेज हैं 17 और 24 वाले, ये नीट रिपीटर बच्चा या फ्रेशर स्टूडेंट भी है तो उसके लिए रहेगा। और इसके अलावा 11th का जो स्टूडेंट है वो चाहे जेई का हो चाहे वो मेडिकल का हो, उन दोनों के लिए भी रहेगा। जेई का लास्ट बैच जो है टारगेट का वो हम 10 दिसंबर को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो थी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और अभी कल ही नोटिफिकेशन आया, कोई जेई का बच्चा भी आपके कॉन्टेक्ट में हो तो आप उन्हें बता दें कि इस बार 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं उनको। ठीक है, तो इसके बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट आप जो है वो ऑफिशियल साइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो है इस मुहिम को कंप्लीट किया है हमारे साथ साथ, और आपका सपोर्ट जो है वो नो डाउट सराहनीय है। तो बढ़े बिना समय को व्यर्थ किए हुए, तो स्टार्ट करते हैं यतीन्द्र सर पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की बात हो रही है, इसका मतलब अगर इन्फेंट्स के लिए पूछेगा तो यहाँ क्वेश्चन में जरूर मेंशन करेगा जी। और अगर इन्फेंट्स नहीं बोला है इसका मतलब डायरेक्ट आपको किस में बताना है, अडल्ट ह्यूमन में ही बताना है। इनिशियली वो नंबर ऑफ बोन ज्यादा होते हैं, इनिशियली नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होते हैं, जुड़ के जो है वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ बर्थ की अगर बात करें 300+ कह सकते हैं, बिल्कुल 300+ बोन होती है। और अडल्ट में ये बोन जो है ये डिक्रीज होकर आपस में ज्वाइंट होकर ये क्या 206 तक रह जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले बच्चों को एक वर्टिब्रल जो फॉर्मूला है उसकी बात अपन कर सकते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रल फॉर्मूला इनको अपन इन्फेंट्स में भी बता दें और अडल्ट में, और अडल्ट में भी बता देते हैं। इन्फेंट्स में वर्टिब्रल फॉर्मूला जो है वो CT LU SA CA ये कहलाता है, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल और काउडल ये कहलाती है। ये फ्री वर्टिब्री है अभी, ठीक है, और आगे चलकर ये एडल्ट में फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन्फेंट्स में इनका नंबर जो है वो रहेगा 712 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 5 लंबर 5 सैक्रल और 5 जो है वो 4 जो है वो क्या हो जाती हैं, काउडल हो जाती हैं। एडल्ट में ये बदल जाता है CT LU SA CO, इसका मतलब इन्फेंट का का किस में बदल गया, एडल्ट में को में बदल जाता है। काउडल तो फ्री है और कोकिक्स जो बनेगा ये फ्यूज्ड वर्टिब्री होती है। 4 के फ्यूजन से यहाँ तो रह जाती है एक, यहाँ 5 के फ्यूजन से रह जाती है एक और बाकी अनचेंज रहता है 7, 12 और 5। टोटलिंग कर ले जी, 7 और 12 19 और 10 कितनी हो जाएंगे 29 और 4 33। तो 33 वर्टिब्री पाई जाती है किस में, इन्फेंट्स में। यहां बात करें 7 और 12 19 और 5 24 5 और 6, तो अडल्ट में ये कितनी हो जाती है 26 हो जाती है। इसका मतलब इन्फेंट से अडल्ट में डिक्रीज होकर 33 से ये नंबर कितना रह जाता है, 26 से रह जाता है। अपने जो पूछा क्या है, नंबर पूछा है और नंबर का मतलब ये वाला हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जी, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ये मेरे सर। फ्लोटिंग रिब्स के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि ये किसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। फ्लोटिंग रिब्स सुनील जी 12 पेयर में जो अंतिम 11 और जो 12वीं पेयर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, डोर्सली कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली फ्री है। ठीक है, और किडनी जो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती है। बिल्कुल, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बिल्कुल बच्चे किडनी याद है, किडनी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नीट 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और याद रखना यहाँ से ये जो रिब्स वाला क्वेश्चन है ना ये बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिब्स के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दें, इसी के साथ थोड़ी सी तो रिब्स जो है वो ह्यूमन में हो जाएंगी कैसी, ट्रू रिब्स कहलाती है, फॉल्स रिब कहलाती है और फ्री फ्लोटिंग कहलाती है जी।
ठीक है। टोटल नंबर की अगर बात कर लें तो ये 24 रिब्स होती हैं ह्यूमन में, या अपन 12 पेयर, या इसको अपन 12 पेयर कह सकते हैं। क्यों जी? जी तो 1 से 7 जो है, 1 से 7 पेयर जी, ये तो कैसी होती हैं? ट्रू रिब्स कहलाती है। ट्रू का मतलब है पीछे से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से और आगे से ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी रहेंगी। ऐसा आर्टिकुलेशन जो है ये ट्रू रिब को डिनोट करता है, ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और वेरी गुड, ये जो नाम है ये एनसीईआरटी का ही है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रू रिब को अपन क्या बोल सकते हैं यतिंद्र सर? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, रिब्स भी कह सकते हैं, ये अनदर नेम भी याद रखना है आपको। फॉल्स रिब की अगर बात करें तो 8th, 9th और 10th पेयर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? 8th, 9th and 10th पेयर ऑफ रिब जी, ये क्या बन जाता है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। और वर्टिब्रो कॉन्ड्रल इसलिए बोला है क्योंकि पीछे से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है लेकिन फ्रंट में आकर ये सीधी स्टर्नम से नहीं जुड़ेंगी। ये जो सेवंथ रिब है, इस सेवंथ रिब से ये कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती हैं। क्यों जी? तो सेवंथ के कार्टिलेजिनियस पार्ट से जुड़ेंगी। कोई भी रिब जो होती है उसके दो पार्ट कहलाएंगे, एक तो उसका बोनी पार्ट कहलाता है जो लॉन्ग पार्ट होता है, पीछे से अराइज होकर यहाँ तक आएगा जी, और स्टर्नम के पास वाला छोटा पार्ट उसका जो है वो कार्टिलेजिनियस पार्ट कहलाता है, हाइलाइन कार्टिलेज पीछे होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है। तो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ आइदर साइड, इस साइड की और इस साइड की, ये आकर कार्टिलेजिनियस पार्ट से जुड़ती हैं सेवंथ के, इसलिए इनको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कह दिया जी। और फ्लोटिंग इसलिए कह दिया क्योंकि इनका जो वेंट्रल सरफेस की ओर ये किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ती है। तो ये ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग इनके वेंट्रल आर्टिकुलेशन के बेसिस पर दिया गया है। सवाल ये भी बन सकता है कि रिब्स को जो बांटा गया है वो कौन से आर्टिकुलेशन के बेसिस पर है, तो वेंट्रल आर्टिकुलेशन के बेसिस पर डायरेक्टली जुड़ जाए स्टर्नम से तो ट्रू है, और डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़कर सेवंथ के कार्टिलेजिनस पार्ट से जुड़े तो फॉल्स है, और फ्लोटिंग जो कहीं से ही नहीं जुड़े ये अपना बन जाएगा 11th and 12th पेयर ऑफ रिब बन जाते हैं। क्यों जी? मतलब डोर्सली सारी कनेक्टेड है, डोर्सली सारी कनेक्टेड, वेंट्रली सारी कनेक्टेड, बिल्कुल। और ये जो 12 पेयर अपन ने बताई है ना, ये 12 पेयर आती कहां से है? 12 थोरेसिक से जुड़ती है पीछे। इसका मतलब ईच जो वर्टिब्रा है, ईच थोरेसिक वर्टिब्रा, उससे आइदर साइड में एक एक रिब निकलती है, तो ईच वर्टिब्रा से आर्टिकुलेशन 2 रिब का हो गया। और पीछे की ओर ये जो रिब है ये डबल सरफेस से जुड़ी होती है, इसलिए इनको बाइसिफेलिक भी कहा जाता है, डबल कह सकते हैं कि हेड वाला पार्ट इनका डबल होता है ना, बिल्कुल हेड वाला पार्ट इनका डबल कहलाता है, इसलिए ये बाइसिफेलिक रिब के नाम से भी नॉर्मली बाइसिफेलिक है। तो फिर किसको प्रोटेक्शन करवा गई है? इस वाले रीजन में क्या पाई जा रही है? किडनी पाई जा रही है। चले आगे जी। और एक सवाल ये भी है, अगर 13th पेयर रिब भी प्रेजेंट हो, गोरिल्ला रिब्स की, गोरिल्ला रिब कहलाता है वो, क्यों? वैसे कई बार कुछ लोगों में हो सकता है, वो आरपीएमटी में पहले पूछा जाता था, इस समय नहीं आता ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जी सर, व्हिच इज द ओनली मूवेबल स्कल बोन अदर देन ऑडिटरी ओसिकल, मतलब ईयर ओसिकल के अलावा? हाँ, तो ईयर ओसिकल, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, एक तो इनका तीनों का ऑर्डर याद रखना है, लेकिन ये सवाल उससे रिलेटेड नहीं है, मैं तो केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑडिटरी कैविटी है, जो मिडल ईयर है, वहां पर पाई जाने वाली ये जो 3 ईयर ओसिकल हैं, ये मूवेबल होती हैं क्योंकि एनवायरमेंटल जो साउंड वेव्स आ रही हैं ये स्ट्राइक करेंगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जो वाइब्रेशन है ये पास होते हैं किसको? मेलियस को, मेलियस से जाएंगे ये फिर इनकस को, फिर ये स्टेपिज को, तो ये तीनों ही ईयर ओसिकल जो मूवेबल होती हैं। और यहाँ पर यतिंद्र सर, हेड रीजन स्कल खोपड़ी की बात कर ली जाती है, तो यहाँ दो चीजें हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन, कभी कभी इसको 22 भी कहा जाता है, और कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग जो है ये 29 भी होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा भी है, बिल्कुल, जिसमें क्रेनियल और फेशियल लिख के 22 होता है, 22 फिर आगे लिख रखा है कि इसमें एडिशनली हायरॉइड और ईयर ओसिकल भी इंक्लूड होती, कुछ ऑथर्स जो है हायरॉइड और ईयर ओसिकल भी इंक्लूड करते हैं। तो आप ये मानकर चले अगर ऐसा सवाल बनता है कि स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, तो भैया ऑप्शन एक ही मिलेगा, या तो मिलेगा 22 या मिलेगा 29, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। अब ये जो बात आ रही है कि 22, उस 22 में 14 तो फेशियल होती हैं, और उसके अलावा जो 8 होती हैं वो अपनी क्रेनियल कहलाती है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और एथमोइड, ये क्या बन जाती है? 8
क्रैनियल बोन्स बन जाती हैं। इसके अलावा 14 फेशियल होती हैं, उनके नंबर की बात करनी नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। और कुछ होता है ईयर ऑसिकल को भी इसके अंदर मान लेते हैं, तो 22 और 6 28 हो गया, और एक हायोइड बोन जो है उसको भी स्किल में इंक्लूड किया। हायोइड बोन ऐसी बोन यू सब जो किसी से आर्टिकुलेट नहीं करती, बिल्कुल किसी से भी आर्टिकुलेशन इसका नहीं होता है। तो ये हो जाएगा कि ओनली मूवेबल स्कल बोन, और मूवेबल स्कल बोन ये नीचे वाले जबड़े की बन जाती है जिसे मैंडिबल मैंडिबल कहा जाता है, और अपर जो है जिसे मैगजिला कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना, ये जो मैंडिबल है ये एक सिंगल बोन होती है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन मैगजिला के दो हाफ होते हैं, एक मैगजिला इधर एक मैगजिला इधर, ठीक है। तो ये जो मैंडिबल वाला पार्ट है ये मूवेबल बोन कहलाती है, बाकी स्कल की कोई भी बोन जो है वो मूवेबल नहीं है, एक्सेप्ट किसको हटा दिया उन्होंने, ऑडिटरी ओसिकल ईयर ओसिकल मेलियस इनकस स्टेपिस को हटा दिया है, तो अपना कौन सा चला जाएगा, मैंडिबल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जी सर, सैडल जॉइंट की बात की जा रही है, और सैडल जॉइंट जो है वो हमारे फोर लिंब में जो थंब वाला पार्ट है, जो आपका कार्पल और मेटाकार्पल है इसके अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल, तो थंब में कार्पल एंड मेटाकार्पल चला जाएगा, इसलिए तो, जो ये एक स्पेसिफिक फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है, जो अपनी ग्रेस्पिंग पावर है ना, क्योंकि बोलते हैं ना इवोल्यूशन के दौरान हमारा जो थंब है ये अपोजेबल हो गया। कहने का मतलब पहले जो कपी पाए जा रहे थे, एप्स थे, उनमें ये किस प्रकार का था, इस टाइप के कहला रहा था, ठीक है, अपना जो है इस टाइप का है उनमें किस टाइप का था, इस टाइप का कहला रहा था, ठीक है। तो ये जो है थंब का इवोल्यूशन के दौरान किस प्रकार का हो गया, अपोजेबल हो गया। ये पाम है, पहले तो ये पाम के पैरेलल कहला रहा था, अब ये पाम के क्या हो गया है, 90 डिग्री पर हो गया है, इसको अपोजेबल थंब कहा जाता है। क्यों, तो ये जो जॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो बच्चों को थोड़ा सा जॉइंट के बारे में एक बार बता ही देते हैं। क्यों, जॉइंट्स की अगर बात करें यतेंद्र सर, तो मूवेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन जॉइंट्स को बांटा गया है फाइब्रस में, ये होते हैं कार्टिलेजिनियस, और ये कहलाते हैं साइनोवियल। फ्रीली मूवेबल ना, बिल्कुल। तो मूवेबिलिटी फाइब्रस जॉइंट में बिल्कुल नहीं होती, मूवेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं, मूवेबिलिटी अब्सेंट होती है, यहां पर नहीं पाई जाएगी मूवेबिलिटी, यहां पर स्मॉल स्लाइटली स्मॉल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट से कहलाते हैं, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट। क्यों, उनको परफेक्ट जॉइंट भी कह सकते हैं, इनको परफेक्ट जॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल की अगर बात करें, तो जो क्रेनियम है उन क्रेनियल बोन्स के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, जिसे सूचर के नाम से जाना जाता है, वो फाइब्रस का एग्जांपल बन जाएगा, तो सूचर्स हो जाएगा। मतलब एक तरीके से डेंस टाइप के जो टिश्यू हैं कोलेजन वाले, उनको जोड़ के, बिल्कुल। और इसके अलावा गोम्फोसिस जो है वो भी फाइब्रस जॉइंट का ही एग्जाम्पल कहलाता है। एंड व्हाट इज गोम्फोसिस, ये टीथ जबड़ों में जहां पर दसे हुए हैं, तो टीथ हिलते हैं क्या किसी के, नहीं हिलते ना भैया, तो ये भी कैसा है, इमूवेबल टाइप, सॉकेट्स के अंदर, सॉकेट के अंदर, तो गोम्फोसिस इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। गोम्फोसिस वैसे पूछा नहीं जाएगा बच्चों से, सूचर आपको जरूरी याद रखना है, ठीक है। तो सूचर तो क्या हो गया, क्रेनियल बोन के बीच में हो गया, दो क्रेनियल बोन आपस में कनेक्टेड रहेंगे इस सूचर के द्वारा, और गोम्फोसिस जो है वो सॉकेट जॉइंट कहलाता है, टीथ का किसके अंदर, जबड़ों के अंदर जी। कार्टिलेजिनियस जो जॉइंट है यहाँ पर स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होता है, क्यों, कार्टिलेज की कंप्रेशन, और कार्टिलेज का पैड पाया जाता है एक्चुअल में दो बोन के बीच में। तो जो अपनी पेल्विक गर्डल है, इन पेल्विक गर्डल की प्यूबिक बोन जहां आपस में कनेक्ट होती है, वो प्यूबिक सिंफाइसिस कार्टिलेजिनियस का एग्जांपल है। ऐसे ही दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क पाई जाती है, वो भी कार्टिलेजिनियस का एग्जांपल है। तो स्मॉल मूवमेंट यहां पर होता ही है, और एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इसके अलावा सर, इसके अलावा आपका प्यूबिक सिंफाइसिस, प्यूबिक सिंफाइसिस, ठीक है। और साइनोवियल की अगर बात कर लें, तो यतेंद्र सर ने यहाँ दो बोन नो डाउट आपको बता दी यहाँ पर, और इन दो बोन को कनेक्ट करने वाली ये क्या पाई जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जी। और यहाँ जो कैविटी होती है इसमें भरा हुआ फ्लूइड जो है साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है, ये कैविटी क्या बन जाती है, साइनोवियल कैविटी बन जाती है। लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं यहाँ पर कार्टिलेज जो पाई जाती है वो कौन सी, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाती है, ये पहले भी आपको बताया हुआ है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट, बिल्कुल बिल्कुल, लगभग यहाँ पर कह सकते हैं।
एग्जैक्टली आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाएगी, वो मेम्ब्रेन ऐसे इसको कवर कर लेगी। तो इस फ्लूइड की प्रेजेंस के कारण मैक्सिमम मोबिलिटी शो करने वाला ये जॉइंट कहलाता है। और इसके लिए आपको याद रख लेना है जी बी एच पी, कौन सा, क्या बोलेंगे ये तीन सर, कौन सा जी बी एच पी, कौन सा जी बी एच पी, ये तो आपको वो प्रेशर के रूप में आपने याद ही रखा होगा। ये इनके टाइप होते हैं, ये टाइप बता दिया मैंने, साइनोवियल के ग्लाइडिंग हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, कोंडाइलर जॉइंट कहला गया, और ये सैडल जॉइंट कहला गया। क्यों? अब ग्लाइडिंग जॉइंट की अगर बात करें तो ग्लाइडिंग का मतलब रेंगना, थोड़ा सा इधर उधर पिसल सकते हैं। और ग्लाइडिंग का मतलब रेंगना, रेंगता तो कौन है, रेप्टाइल्स रेंगते हैं। अब मैं कहूँ रेप्टाइल्स कैसे चलता है, ये तंत्र से कैसे बताओगे आप, रेंगता वैसे ऐसे ना, और ऐसे बताओगे इसका मतलब ये मूवमेंट कहाँ पॉसिबल हो रहा है, इन कार्पल्स में हो रहा है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ हो जाएगा, कार्पल्स के बीच हो जाएगा। क्यों? इसके अलावा हाँ, जो एंकल वाला पार्ट है, हाँ, तो जो कार्पल एंड जो टार्सल्स हैं इनके बीच जो पाया जाता है वो कौन सा कहलाता है, ग्लाइडिंग कहलाता है। हम बोल रहे हैं, आप अलग से कॉपी में जरूर लिख लेना इसको। अगला है बॉल एंड सॉकेट। क्यों? तो बॉल एंड सॉकेट की बात करें, फ्रीली मूवेबल, एक तो ये वाला मतलब सबसे ज्यादा मूवेबल कह सकते, क्यों, और एक ह्यूमरस और स्कैपुला के अंदर आपका ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी है। ये कैविटी जरूरी याद रखनी है आपको कि पेक्टोरल गर्डल की वो कैविटी जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट होता है आकर, तो वो क्या कहलाती है इसकी, स्कैपुला की कैविटी का नाम है ग्लेनोइड। ऐसे ये जो फीमर है ये यहाँ एसिटाबुलम कैविटी में जुड़ेगी, पेल्विक गर्डल की कैविटी एसिटाबुलम कहलाती है, वो भी बॉल एंड सॉकेट का ही एग्जांपल बन जाता है। क्यों? हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो हिंज जॉइंट में ये नी जॉइंट आ जाएगा, वो सॉरी एल्बो जॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो पटेला वाला पार्ट है ये नी जॉइंट आ जाएगा, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट इसका एग्जांपल बन जाएगा। और इसके अलावा जो एंकल रीजन है उस एंकल रीजन का भी क्या बन जाता है, हिंज जॉइंट। एंकल के टार्सल्स की बात करें तो वो कौन सा बन जाता है, फिर ग्लाइडिंग बन जाता है। और लेकिन एंकल में ही एक जॉइंट हिंज की भी अपन बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट के एग्जांपल के रूप में बच्चों को बताएं तो रेडियस और अल्ना के बीच में जो पाया जाता है रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो हाँ रेडियो अल्नर, वो पाइवट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे एटलस और एक्सिस के बीच पाया जाता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा इनके बीच में, बिल्कुल फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस और सेकंड एक्सिस इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है, पाइवट जॉइंट कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही कोंडाइलर जॉइंट की बात कर ले तो कोंडाइलर जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, ये जो मेटाकार्पल्स हैं जो फेलेंजीज हैं इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है, कोंडाइलर कहलाता है। और सैडल जॉइंट की अगर बात करें तो सैडल यहाँ पाया जाएगा, यहाँ का मतलब कहाँ हो गया, ये मूवमेंट कहाँ से पॉसिबल है, यहाँ की थंब की, ये तो हो गई मेटाकार्पल और यहाँ हो जाती है कार्पल। क्यों? तो मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। इसके अलावा ग्लाइडिंग में एक अपन वो भी बता सकते हैं कि जो इंट्रोवर्टिबल वर्टिब्राज है, बिल्कुल जाइगोपोफाइसिस, उनके बीच में थोड़ा सा, तो वर्टिब्रिया का जाइगोपोफाइसिस, प्री जाइगोपो एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस ये स्ट्रक्चर बनती है, आप तो केवल नाम याद रख लेना। सुनील जी, इससे लगता है कि मैक्सिमम जो जॉइंट्स हैं इनमें वो साइनोवियल, मैक्सिमम जॉइंट साइनोवियल है ना, और मैक्सिमम मोबिलिटी भी साइनोवियल में होती है। क्यों? तो ये जॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी, नीट में इसके बाहर सवाल भैया नहीं बनेगा। अरे चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4-5। जी सर, वही हिंज जॉइंट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपन जो है ये कब्जा संधि जिसको बोला गया, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमरस दिया है और रेडियस अल्ना परफेक्ट चला गया। और देख लेते हैं फीमर और पेल्विक गर्डल, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट हो गया, ठीक है। फीमर एसिटिबुलम सेम ही बात है, सेकंड बोल दो या ये बोल दो, हाँ क्योंकि एसिटिबुलम इसी से रिलेटेड है, एग्जैक्टली। और ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल तो बॉल एंड सॉकेट हो जाएगा, वो बॉल एंड सॉकेट अपना फर्स्ट चला जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा। अरे भैया आपको जॉइंट्स पढ़ा दिए ना, वो जॉइंट्स इसलिए पढ़ाए गए हैं कि हर क्वेश्चन में हमें डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया। क्वेश्चन नंबर 6, बोन फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन इज कॉल्ड एज। तो टाइप ऑफ बोन की अगर बात करते हैं बता देंगे, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा बच्चे कहीं पूछा, ओरली ऐसे बता देते हैं, हां हां ओरली बता देते हैं। और इसके आंसर के अकॉर्डिंग कि ओसिफिकेशन टेंडन में होता है, टेंडन वो स्ट्रक्चर है जो स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करवाती है, टेंडन्स कहलाते हैं। उनमें अगर ओसिफिकेशन हो जाए तो फिर वो क्या कहलाती है, सीसामोइड कहलाती है। अब जैसे टाइप ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, दो तीन मिनट लगेंगे, ओके, कि जैसे टाइप ऑफ
यस अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो एक तो स्पॉन्जी बोन होती है, बिल्कुल, इसके अंदर हेवर्सन सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल, और अंदर जो है वो लिक्विड भरा होता है, और ये बोन जो है उनका जो एपिफाइसिस वाला भाग है वहाँ होती है, जहाँ पे रेड बोन में होता है, ठीक बात है, और ये हिमोपोइसिस से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। एक है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन जो बोन डायफाइसिस वाला भाग हो जाएगा, ये वाला भाग जो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, और इसमें हेवर्सन सिस्टम भी मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद में तीसरा एक डिप्लोटाइपिक बोन, हाँ, जो डिप्लोटाइपिक जी, जिसमें दोनों सरफेस तो हो जाएंगे इनकी कॉम्पैक्ट, और बीच में हो जाएगा इनके स्पॉन्जी पार्ट हो जाता है, ये अपनी जो क्रैनियल बोन है उसके रिस्पेक्ट में। तो डिप्लोटाइपिक कह दो या हेटरोटाइपिक बोन कह दो, ये जो है ये स्कल की क्रैनियल बोन्स एग्जांपल बन जाती है। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक और है न्यूमेटिक बोन्स, अंदर जो है एयर कैविटीज होती है, ये एक फ्लाइट एडेप्टेशन भी कहलाता है बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर के बेसिस। इसके बाद सुनिए जी ओरिजिन के बेसिस पे अगर देखें, ठीक है, एक एंडोकोंड्रियल या रिप्लेसिंग, ठीक है, या कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस एक ही बात है, जो पहले भी बताया था हाइलिंग कार्टिलेज जो है उसी में ही क्या हो जाता है कि ऑसिफिकेशन हो जाता है, यानी कार्टिलेज की मॉडिफिकेशन से ये बोन बनती है जिसमें दो सेल एक्ट करती है, ठीक है, तो कोंड्रियोक्लास्ट तो कार्टिलेज को डिसॉल्व करती है, एक ऑस्टियोब्लास्ट जो उसको ऑसिफिकेशन फॉर्मेशन करवाती है बोन का। इसमें ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, फीमर है, और अपना वर्टिबल कोलम वाली वर्टिब्रा है, रिब्स है, तो मोस्ट ऑफ जो अपनी बोन्स है वो इसी टाइप की हो जाती है। फिर दूसरी कैटेगरी ओरिजिन के बेसिस पे डर्मल बोन या मेम्ब्रेनस बोन या इन्वेस्टिंग बोन, ठीक है, एक ही बात है, ओके। ये डर्मिस के ऑसिफिकेशन से होता है, स्किन के नीचे, मतलब एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस से कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर अगर ऑसिफिकेशन हो जाए इनको मेम्ब्रेनस बोन के नाम से, इसलिए मेम्ब्रेनस बोन, ठीक है, या डर्मल बोन, ओके, या इन्वेस्टिंग बोन, ठीक है। और इन बोन की अगर बात करें तो अपनी स्टर्नम हो गई, और इसके अलावा क्लेविकल हो जाती है, और क्रैनियल बोन में भी कुछ ऐसी सम बोन्स हो जाएंगी, और कुछ स्पेशल बोन भी इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ओरिजिन के बेसिस पे हुआ। इसके अलावा एक अपन विसरल बोन भी बता सकते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, हालांकि ये अपने से रिलेटेड नहीं है, कुछ जैसे कार्निवोरस के अंदर ओस पेनिस होता है, बैकुलम, जैसे रैट की बात करें, बैट की बात करें, इनमें जो है वो पेनिस के अंदर जो है ऑसिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, विसरल बोन। और ऐसे एक आया था ये वाला, हां हां, ओरिजिन के बेसिस पर ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ठीक है, सिस्मॉइड बोन जिसको बोलते हैं, सिसामोइड बोन बन जाती है, ठीक है। एक 2018 में एक क्वेश्चन आया था ये सर, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बेसिस पर अगर बात कर लेना, तो बच्चों को एक बार ये रीजन जो है ये क्लियरली अपन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इसको, क्यों, तो ये वाला जो रीजन बनेगा इस बोन का जहां पर एक होलो कैविटी पाई जाती है, ठीक है, एक रीजन तो ये सर ये बन गया, और एक रीजन अपना बन जाता है दिस पार्ट जी, और ऐसा ही पार्ट है कि इधर भी मिलेगा, इधर मिलेगा। क्यों जी, अब अपन कलर थोड़ा सा चेंज कर ये वाला रीजन जो है इसके अंदर जो है वो ट्रेबेकुली प्रेजेंट होती है, ट्रेबेकुली जिसमें बोन मैरो, और बोन मैरो भी बच्चों याद रखना आरबीएम, रेड बोन मैरो यहाँ पर पाया जाता है, ये स्पंजी बोन बनाता है इस बोन का, और इसको क्या कहा जाता है एपिफाइसिस के नाम से, क्यों जी, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के बाद ए अनदर रीजन प्रेजेंट होता है जिसको मेटाफाइसिस कहा जाता है, इसी को अपन एपिफाइशियल प्लेट भी कह सकते हैं, बिल्कुल, और इसी मेटाफाइसिस रीजन में क्या पाई जाती है एपिफाइजियल प्लेट जो है उसकी प्रेजेंस होती है, इस एपिफाइजियल प्लेट के दोनों ओर जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एपिफाइजियल प्लेट है, कई बार पूछा जाता है कि एपिफाइजियल प्लेट कौन से रीजन में पाई जाती है, तो बच्चा क्या सोचता है कि एपिफाइसिस में ही पाई जाती है, लेकिन एपिफाइजियल प्लेट मेटाफाइसिस में प्रेजेंट होती है। जो ग्रोविंग बोन्स होती हैं जिनमें अभी ग्रोथ चल रही है उनमें ये मेटाफाइसिस रीजन बना रहेगा, उनमें एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होगी, लेकिन ग्रोथ हो गई है कंप्लीटली तो अडल्ट में केवल एपिफाइसिस, और ये वाला जो रीजन है डायफाइसिस ये वाला रीजन ही प्रेजेंट, कॉम्पैक्ट बोन, बोन की साथ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला रीजन डायफाइसिस प्रेजेंट होगा। तो अडल्ट में दो ही रीजन मिलेंगे एपिफाइसिस और डायफाइसिस, लेकिन जो ग्रोविंग बोन्स है जिनमें अभी ग्रोथ चल रही है उसमें तीन रीजन पाए जाते हैं एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, ठीक है। यानी ये बोन का ग्रोथ जोन है ना, ये बोन का ग्रोथ जोन है जिसका टारगेट ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन इसी को टारगेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो है यहाँ की सेल में ग्रोथ है, और ये यहाँ की कैविटी कहलाई जाएगी बोन मैरो कैविटी, यहाँ भरा हुआ जो येलो बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो कहलाता है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, उसका आंसर बता दिया था ना मैंने,
क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें से तो कौन सा चला जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन वाला डिफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जिसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, ये एब्सेंट हो जाता है। अगर ये एब्सेंट हो जाएगा तो जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ था एसिटाइल कोलीन की वजह से, वो सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अर्थराइटिस की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ ये जॉइंट कहलाता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। गाउट की अगर बात करें तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट रीजन में, तो इसे जो है गाउटी अर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात करें तो ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस का मतलब पोरस, बोन पोरस हो जाती है, वहां से मिनरल्स बाहर निकलने लग जाते हैं, और इसका मोस्ट प्रोबेबल कोज यतेंद्र से अगर पूछे तो क्या रहेगा, एज रिलेटेड कह सकते हैं इसको, इसको एज रिलेटेड, और यहाँ पर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी कमी, उसकी कमी। तो वो फीमेल्स जिनमें मेनोपॉज आ जाता है, सडन स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उस वाली कंडीशन में फिर क्या होगा कि वहां पर उनकी बोन जो है वो वीक होने लग जाती है, और थोड़ा सा गिरने पर भी फ्रैक्चर के चांसेस बोन के बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये कंडीशन कहलाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर अपना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बन जाएगा। क्यों जी? नेक्स्ट जी सर, फ्रिक्शन इज लेसेंड इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसमें फ्रिक्शन घर्षण कम हो जाता है। बिल्कुल, एक डायग्राम अभी बनाया था आपने, और उस डायग्राम में अपन ने बताया था कि जो दो बोन है उन दो बोन के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर देती है। बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर एक कार्टिलेज भी होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, और यही मेम्ब्रेन इसके अंदर एक फ्लूइड रिलीज करती है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है। बाकी बाहर से ऐसे लिगामेंट इनको कनेक्ट कर देते हैं, जो जॉइंट कैप्सूल का फॉर्मेशन, दो बोन को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर लिगामेंट बन जाती है। क्यों? नेक्स्ट लें जी, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, विच वर्टिब्रा हैज द ओडोन्टॉइड प्रोसेस। हाँ भैया, एक तो है प्रोसेस और एक है फोसा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये एक वर्टिब्री यतेंद्र सर ने आपको बनाई है, तो इसको अगर सिंपली यतेंद्र सर में इस प्रकार के समझा दूं जी, कि ये जैसे अपनी जो है ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस पर जो है इस प्रकार से एक प्रोसेस ऊपर की ओर निकल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही ये एटलस हो गई, ये जो ऊपर पाई जा रही है, इसमें जो है एक कैविटी पाई जाती है, वो कैविटी अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये देखो ये कैविटी दिख रही है, इसका मतलब एटलस में पाई जाने वाली जो कैविटी है वो तो ओडोन्टॉइड फोसा है, और एक्सिस में पाया जाने वाला ऊपर की ओर ये जो प्रोसेस है ये ओडोन्टॉइड पैग या प्रोसेस ये कहलाता है। तो ये ओडोन्टॉइड ये एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड होती है, वहां पर ये ओडोन्टॉइड प्रोसेस किस में धस जाता है, ओडोन्टॉइड फोसा में धस जाता है। जैसे अभी आपने जो बताया ना जी, तो ये एक्सिस वाला ओडोन्टॉइड पैग हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, या प्रोसेस, और ये वाली जो कैविटी है ओडोन्टॉइड फोसा, तो अगर इसको उठा करके इसके ऊपर से ऐसे डालें तो यही प्रोसेस जो है इसकी यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है यतेंद्र सर, ये तो क्यों एटलस होगी, एटलस होगी, और ये वाली एक्सिस होगी जी, ये वाली एक्सिस कहला जाती है। ठीक है, एटलस तो जो है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और एक्सिस जो है वो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा कहला जाती है। क्यों? मतलब इसी उसी को उठा के इस पर रखें, ये बिल्कुल ऐसे ऊपर एटलस दिख रही है और इसी के नीचे जो है वो एक्सिस वाली बोन आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो एटलस जो है उस एटलस में सेंट्रम नहीं पाया जाता है, एक तो ये बात याद रखनी है, और इसी के बेसिस पर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि जो जो इवोल्यूशन हुआ है क्यों तो एटलस का सेंट्रम जो है वो वहां से हटकर कहां चला गया है, एक्सिस पर आ गया है, और वो जो सेंट्रम नीचे पहुंचा है उसी ने किसकी किसका रूप ले लिया है, ओडोन्टॉइड प्रोसेस का रूप ले लिया है। तो यहाँ पर एटलस में दो आर्टिकुलर पार्ट भी होते हैं ना, बिल्कुल ओडोन्टॉइड जो आगे अपन कोंडाइल, सॉरी बिल्कुल, जो ऑक्सिपिटल बोन से संबंधित जो कोंडाइल है उनके साथ में कनेक्ट होते हैं, किडनी शेप्ड फेसेट कह सकते हैं। हाँ, उसी के बेसिस पर स्कल का टाइप भी बनेगा, फिर डाइकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल। क्यों? तो इसमें रह जाएगा व्हिच वर्टिब्रा हैज द ओडोन्टॉइड प्रोसेस, प्रोसेस की अगर बात करें तो कौन सी पे, सेकंड या एक्सिस पर पाया जा रहा है, तो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ मैमल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैमल में मोस्टली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। बिल्कुल ठीक बात है, उसको छोड़ के जिनमें 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा, जैसे ब्रेडिपस की बात करें उसमें ज्यादा है, शी काउ की बात करें उसमें कम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनमें 7 नहीं होती है। ठीक है, और बाकियों में 7 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जी,
पेक्टोरल गर्डल दिस वन, पेल्विक गर्डल दिस वन, एंड लिंब बोन कंस्टिट्यूट। तो ये किसका पार्ट बनता है? तो अपेंडिकुलर ना, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन बन जाएगा। मतलब दो हो गए, एक तो सेंटर में जो हो एक्सियल स्केलेटन, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 80 बोन है ना, 80 बोन हो जाएंगे, और बाकी गर्डल की बोन और लिंब की बोन आपकी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर 126, और 126 और 80 कितना हो जाता है, 206 हो जाता है, ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स है। थोड़ा सा बच्चों को बता दें, अपेंडिकुलर स्केलेटन जहां हमने 126 बोन की बात की है, ये तेंद्र सर 30 हो जाएंगी इसमें, 30 होगी इसमें जी, 30 हो जाती है इस लेग में और 30 हो जाती है इस लेग में, क्यों? तो 120 बोन तो हो गई ये। इसके अलावा ये हाफ जो है पेक्टोरल गर्डल का, दो बोन हो जाएंगी स्कैपुला और क्लेविकल, और इसमें बात करें तो वही दो बोन होगी, तो चार बोन तो होगी पेक्टोरल में। यहां बात करें तो ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बोन, कॉक्जल बोन, बिल्कुल, इनको कॉक्जल बोन के कंबाइंड रूप से इनको कॉक्जल भी कहा जाता है, और वैसे ये कॉम्बिनेशन इलियम, इस्चियम और प्यूबिस का कहलाता है। तो एक बोन तो इस पेल्विक गर्डल की, एक बोन इस पेल्विक गर्डल की। पेक्टोरल में कितनी? टोटल चार बोन। पेल्विक में कितनी? टोटल दो बोन। तो चार और दो छह हो गई, और 30 इस लेग में, 30 इस लेग में, ये कितना हो जाता है? 126 हो जाता है, ठीक है। और एक्सियल की अगर बात कर लें तो चल तो पड़े ही हैं, बता देते हैं 80 बोन ये भी। तो स्कल की अगर बात करें तो अपन ने बोल दिया 29 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें 8 आपकी क्रैनियल, बिल्कुल, और 14 फेशियल, बिल्कुल, 6 ईयर ओसिकल्स, हाँ, और एक हाइड, हाँ, एक हाइड हो जाएगी। तो स्कल में तो होगी भैया 29, फिर से बता रहे हैं, आप ये मत कहना कि एनसीईआरटी में स्कल में 22 लिखा हुआ है, दोनों चीजें जो हैं वो पॉसिबल हैं, कुछ होता है लिखी भी है बाद, बिल्कुल। और इसके अलावा अपन वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात कर लें जी, अडल्ट में बता देते हैं, अडल्ट में ये 26 हो जाएंगे, 26, क्यों? रिब्स की बात कर लेते हैं, 24, तो रिब्स हो जाती है तीन सर अपने कितनी, 24, एक स्टर्नम, स्टर्नम की बात कर लेते हैं तो स्टर्नम कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ अगर बात करें 29 और 1 30 और 26 56, 56 और 24 80, क्यों? 80. तो 80 बोन ये किस में हो जाती है, एक्सियल स्केलेटन में जी। और 126 अपने अपेंडिकुलर में बताई थी। अरे भैया पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया आपको, क्यों चले आगे? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, ये दिन सर ये फिर अपेंडिकुलर हो जाएगा, अपेंडिकुलर हो जाता है, उपांगी है ना, उपांगी। नेक्स्ट 11, एटलस और एक्सिस का जॉइंट है, तो साइनोवियल का टाइप है, पाइवोट, बिल्कुल, और साइनोवियल के जॉइंट याद करने हैं तो GBHP कौन सा, और ये चारों साइनोवियल ही, ये चारों जिसमें ये वाला पाइवोट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट पाइवोट आपको ठीक है, सैडल याद है, हिंज याद है, एक एंगुलर जॉइंट है, एंगुलर जॉइंट जो है वो बॉडी के डिफरेंट एंगल के साथ में बनता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस लिंब की, तो ये जो है ये फ्लेक्शन कहलाता है इसका, अंदर की ओर मुड़ना, और ये एक्सटेंशन कहलाता है। और ऐसे ही मैं हेड रीजन की अगर बात कर लूं, ये तेंद्र सर जी, तो ये तो इसका फ्लेक्शन बन जाएगा, सॉरी ये तो एक्सटेंशन बन जाएगा, और ये इसका फ्लेक्शन कहलाता है। बॉडी का आगे की ओर झुकना ये क्या है, ये अपना फ्लेक्शन हो गया, और पीछे की ओर झुकना ये एक्सटेंशन कहला गया। तो बॉडी के जो डिफरेंट एंगल है उनके साथ बनने वाला जो जॉइंट का मूवमेंट है, जॉइंट का जो एंगल है, वही क्या कहलाता है, एंगुलर जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, कोई विशेष टाइप का जॉइंट नहीं है। तो चले आगे, तो जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 12, जी सर, एक आदमी है जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर एक्स से ग्रसित है, बिल्कुल, और ये जो एक्स डिसऑर्डर है ये करैक्टराइज है किससे, डिक्रीज्ड बोन मास से, एज के साथ-साथ बोन मास कम हो रहा है, ठीक है, और उसके मिनरल प्रोटीन वगैरह भी कम हो रहे हैं, ऐसे में उसके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें एक्स को पहचानना है। इट्स कॉमन कॉज भी है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ये ऑस्टियोपोरोसिस की बात है, एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन, तो ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक कहा आपने, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, क्यों जी। और यहाँ टिटेनी वाली कंडीशन की अगर बात कर ले, तो टिटेनी जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की लो लेवल की वजह से, कैल्शियम का लो लेवल हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस की ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल, चले आगे जी। 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन, क्या ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, there are 12 pair of ribs in human, 12 जोड़ी होती है, true है, sternum is present on dorsal side of the body, ventral side, ये तो ventral कहलाई भैया, sternum सामने पाई जा रही है, यहाँ पर chest bone कहलाती है, क्यों, chest bone या breast bone के नाम से भी जाना जाता है इसको, और all mammals have 8 cervical vertebra, ना भैया, ना ना ना, 7 cervical vertebra, उसमें exception हो जाएगा, ठीक है, वो few वाला exception लागू हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, false, ribs are bicephalic,
दो हेड के द्वारा पीछे की ओर जुड़े, ये भी बाईस फेलिक डॉर्सल है। बिल्कुल, ट्रू अपने हो गए ए बी और ई। ए बी ई जी, ये करेक्ट हो गए, और सी और डी रॉन्ग हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। क्यों नेक्स्ट 14 जी सर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, और क्यों है? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। बिल्कुल, ये सिंपल सा अपना जो है वो गाउटी अर्थराइटिस, या सिंपली इसको गाउट भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, और टिटेनिंग वाली कंडीशन फिर से रिपीट हो गई पीडीएस की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 मैचिंग वाला है, मैच वाला है। रिब्स की बात करें 24 कर देंगे, 24 वर्टिब्री 26 कर देंगे, फैलेंजी 14 हो जाएंगी, और स्टर्नम 1 हो जाती है। तो 4-1, एक मिनट, इसको 14 कर दिया मैंने डायरेक्ट, ये सेकंड होना चाहिए था। 4-1-2, और स्टर्नम जो है वो कितना है? थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3, ये करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। यहाँ पर आपको फेलेंजीज जो है इसके बारे में भी आपको याद रखना, ये तीन, इनका भी फॉर्मूला है, तीन तीन और ये दो। ठीक है, अब फेलेंजीन जो फॉर्मूला है तो वो यतेंद्र सर 3-3-3-3-2, एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है 2-3-3-3-3। ठीक है, वही 14 ये है, वही 14 ये है। अब बात आती है कि ज्यादा वो ज्यादा क्या मतलब, करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट कौन सा कहलाएगा? दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि इनका जो नंबर काउंट किया जाता है वो मीडियल साइड से काउंट किया जाता है, और मीडियल साइड में क्या आ जाएगा? थंब आ जाएगा। तो फेलेंजियल फॉर्मूला अपना 2-3-3-3 ये वाला बन जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट की बात करते हैं 16 जी सर, मेडुलरी कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन, अभी जो अपने डायग्राम बनाया था डायफाइसिस वाला भाग। ठीक है, इसमें ये तो कॉम्पैक्ट पार्ट हो गया, ये कॉम्पैक्ट हो गया, और ये कॉम्पैक्ट हो गया यहाँ पे, और ये बाहर की तरफ पेरियोस्टियम, और अंदर की तरफ एंडोस्टियम, और यहाँ पर ये येलो बोन मैरो प्रेजेंट। बिल्कुल, होती है येलो बोन मैरो। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि मेडुलरी कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन इज लाइंड विद ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ना तो बाहर वाला तो पेरियोस्टियम है, और अंदर ये हो गया एंडोस्टियम, तो इसी की बात की जा रही है ये वाली कैविटी। बिल्कुल, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है वो क्या बनाती है एंडोस्टियम का, मतलब बोन मैरो कैविटी की तरफ तो रेटिकुलर फाइबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैट्रिक्स की तरफ जो है वो आपकी ऑस्टियोब्लास्ट। ये सर इनको बच्चों को बता ही देते हैं ना, ये वाला टुकड़ा काट के, जी हाँ ऐसे क्रॉस सेक्शन, ये वाला पोर्शन अपन ने काट लिया, और इस पोर्शन को अपन ने ये करके दिखा दिया। क्यों? ये अपन मतलब ऐसे कट कर लेते हैं, हाँ ये पूरा क्रॉस सेक्शन हो गया, हाँ ये क्रॉस सेक्शन आ गया इसका। इसमें सबसे बाहर की तरफ हो गया आपका पेरियोस्टियम, और पेरियोस्टियम में भी ये सर दो लेयर बनेगी, बाहर की ओर तो WFCT व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जी, और इसके अंदर की ओर ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर होगी। ठीक है, फिर यहां पर मैट्रिक्स वाला पार्ट है जिसमें हेवर्सियन सिस्टम, और कहने का मतलब कि कॉम्पैक्ट बोन में ही पाया जाएगा हेवर्सियन सिस्टम। ठीक है, फिर मतलब ये हो गई मैट्रिक्स, कलर चेंज कर दें जी जी, और मैट्रिक्स के बाद में ये वाला जो है वो है एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, और एंडोस्टियम में भी दो लेयर बन जाती हैं, और एंडोस्टियम में दो लेयर, एक तो बाहर की तरफ जो आपकी ऑस्टियोब्लास्ट है, बिल्कुल यहाँ पर भी ये ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगी, और फिर अंदर की तरफ रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव, ये फिर है येलो बोन मैरो। तो सबसे बाहर पेरियोस्टियम, फिर मैट्रिक्स, फिर एंडोस्टियम, और फिर बोन मैरो, फिर बोन मैरो। अब सुनील जी, यहाँ पर बोन फॉर्मिंग सेल बाहर भी और अंदर भी, इसका मतलब बोन बाहर से अंदर भी ग्रोथ कर रही है और अंदर से बाहर भी, ये पहले भी हमने बताया था, बाइडायरेक्शनल बोन की ग्रोथ, बाइडायरेक्शनल कार्टिलेज की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि कोंड्रोब्लास्ट सेल जो है वो बाहर की ओर की तरफ होती है, और बीच में जो है उनकी कोई कैविटी होती नहीं है भैया। ऐसे चले आगे जी, तो आंसर इसका कौन सा चला गया? एंडोस्टियम चला गया। 17 द फोरामेन मैग्नम इज लोकेटेड इन द, तो ये कौन सी ऑक्सीपिटल जो बोन होगी ना, यहाँ पर एक पोर या पोरस स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं, जहां से जो है वो कौन सा मेडुला ओब्लोंगेटा कम्युनिकेट करेगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। जी बिल्कुल, तो ये वो रीजन है जहां से स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और वर्टिब्रल कॉलम में फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है, ये क्या कहलाता है? फोरामेन मैग्नम कहलाता है, और इसके दोनों तरफ भी आपके कोंडाइल हो गए, ये कोंडाइल हो गए, तो इसके बेसिस पर स्कल अपनी डाइकोंडाइलिक, दो कोंडाइल है तो डाइकोंडाइलिक स्कल बन जाती है, ये दोनों कोंडाइल आपके तो एटलस जो वर्टिब्रा थी उसे आर्टिकुलेट उसके फैसेट से जुड़ जाएगा, उसके फैसेट से जुड़ जाएंगे। क्यों? तो फोरामेन ऑफ मैग्नम लोकेटेड कौन सा ऑक्सिपिटल बोन चला जाएगा। 18 जी सर, पूछा है व्हाट पोर्शन ऑफ द स्कैपुला आर्टिकुलेट विद क्लेविकल, कि स्कैपुला जो है उसका कौन सा पोर्शन जो है वो
क्लेविकल के साथ उठता, तो ये एक एरिया यहाँ पर है जिसको एक्रोमियल प्रोसेस बोला गया। एक्रोमियल प्रोसेस कहा जाता है, इसके थ्रू जो क्लेविकल है जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन, और ये फीमेल के रेस्पेक्ट में कहा गया है क्योंकि फीमेल में ये वाला पोर्शन जो है ये नेक्ड रहता है अपना, तो ठीक है साइड की कॉलर से ऐसे ढका हुआ रहता है, फीमेल में ये नेक्ड रीजन रहता है उनकी ब्यूटी के लिए, ये भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ब्यूटी बोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्लेविकल एक तरफ तो स्कैपुला से जुड़ गई है ना, ठीक है, और यहाँ मतलब सेंट्रली वो आपके जो स्टर्नम, स्टर्नम साथ कनेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये रीजन जो है ये एक्रोमियन कहलाता है, एक्रोमियन जो है स्कैपुला के मीडियल साइड से अराइज होता है और मीडियल साइड से जो उभार ऊपर की ओर निकलेगा ऐसा ये एक्रोमियन स्पाइन कहलाता है, और ये एक्रोमियन स्पाइन जो है ये लेटरली ग्रोथ करके वहां उभार एक बनाता है, वो उभार क्या कहलाता है, एक्रोमियन कहलाता है, उससे क्या जुड़ जाएगा क्लेविकल, और इसी एक्रोमियन के ठीक नीचे ये देने से वो कैविटी बन जाती है अपनी, ग्लेनोइड कैविटी, जहां पे ह्यूमरस का हेड आते जुड़ जाएगा ग्लेनोइड कैविटी। नेक्स्ट ले नी कैप का टेक्निकल नेम है ना पटेला, सीधा चला जाएगा। अच्छा वो आंसर भी वो कवर है, हां वो सिसामोइड बोन के मॉडिफिकेशन से बनी है, सिसामोइड बोन कहलाता है। जी द टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हैविंग फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैविटी, और ऐसे जॉइंट क्या कहलाते हैं भैया, साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं, सिंपल सा है। मतलब इस पेपर में अपन ने बिल्कुल सिंपल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हुए सारे टॉपिक, और क्वेश्चन बनेगा भी नेट में क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है भैया, पीएचडी थोड़ी करवानी है आपको, क्योंकि इसमें अगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 21। जी सर, हाँ, एक एक्स के रेस्पेक्ट में कि एक्स इज ए लार्ज ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन, इसका मतलब है इस तरीके से, ठीक है, बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरस, दिस वन, इसका मतलब है ये स्कैपुला की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, और ये किन के बीच में होती है, तो सुनील जी ये जो डोर्सली प्रेजेंट है ये अपनी सेकेंड और सेवंथ जो रिब्स हैं, थोरेसिक, थोरेसिक रिब्स, बिल्कुल। ये लेवल आपको याद, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में अपने कहा था कि ट्रेकिया जो है वो थोरेसिक कैविटी की ओर रन करती है और मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी में पहुंच पर T5 लेवल पर वो बाइफर्केट हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसी तरीके से वो लेवल वर्टिब्री के रेस्पेक्ट में, इसका भी याद रखना है, सेकंड थोरेसिक और सेवंथ थोरेसिक के बीच ये पाई जाती है, तो ये स्कैपुला बन जाएगी। और क्या बोल रहे हैं ये कि वो कहां प्रेजेंट है, डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन दी एंड दी सेवंथ, वाई का मतलब टू होएगा, स्कैपुला के साथ में सेकंड आना चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। अरे ठीक भाई, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 22। द कप शेप्ड कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ फीमर, फीमर मतलब बिल्कुल ये आपको बता ही दिया था, वो एसिटाबुलम कैविटी कहलाता है। और एक चीज और कि वो जो कैविटी सुनील जी उसके रेस्पेक्ट में बच्चे एक चीज और ये याद रख सकते हैं कि वो कैविटी कितनी बोन मिलकर के, हां बिल्कुल, दो बोन के कॉम्बिनेशन से वो होगी, ये वाली जो कैविटी है एसिटाबुलम, हां तो इसमें अपन जो है वो तीनों बोन कंक्लूड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, इलियम, इशियम और प्यूबिस, और एक जो आपने अभी टू बताया वो ऑब्टुरेटर जो फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन वो इनके कॉम्बिनेशन पे, वो दो के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और ऑब्टुरेटर फोरामेन वो रीजन है जहां से एब्डोमेन और जो लिम्स वाला पार्ट है यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व की सप्लाई होती है, और इसके अलावा थोड़ी टेंडन वगैरह भी, बिल्कुल वो भी पास आउट होती है। इन ओपनिंग के लिए बच्चे अच्छे से याद रखें कौन सी ओपनिंग कितने बोन से बनी हुई, बिल्कुल। नेक्स्ट ले जी, क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दिस गिवन डायग्राम ए बी सी डी, ये तो सर ए को अपन फीमर दे देंगे, हां ए तो हो गई फीमर लॉन्गेस्ट बोन, बी पटेला हो गया, बी पटेला हो गई, सी टीबिया हो गया, सी टीबिया हो गई जिस पे मैक्सिमम वेट है, जिसको शिन बोन के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, और ये जो अपन बात करेंगे तो ये तेंद्र सर अभी पैर इतना ऊपर आएगा नहीं, वैसे ये वाला जो पार्ट बनेगा सामने वाला दिस वन, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, टीबिया, और फिबुला की अगर बात करें तो लेटरली साइड में इसी में ही सेंक रीजन में जो पाई जाती है वो फिबुला कहलाती है, इसका मतलब बी हो डी हो गई फिबुला, क्यों जरा ए बताना, फीमर है क्या, तो ए फीमर, बी पटेला, बी पटेला है, सी टीबिया, सी टीबिया है, करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा, बिल्कुल डी फिबुला। नेक्स्ट 24। जी सर, अच्छा ये डायग्राम पहले वाला हाइंड लिम का था और ये गर्डल के साथ में फोर लिम का हो गया, तो इसमें भी अपन देख लेते हैं कि ये क्लेविकल है, क्लेविकल हो गई, ठीक है, और सी ह्यूमरस हो गई, सी ह्यूमरस है, और उसके बाद में बी स्कैपुला हो गई, बी अच्छा ये हां ये स्कैपुला हो गई, ये स्कैपुला हो गया, और उसके बाद में डी और ये है रेडियस और अल्ना के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो डी वाली जो वो रेडियस हो गई और ये वाली अल्ना हो गई,
फिर ये एफ वाला पार्ट जो है कार्पल्स और ये वाला मेटाकार्पल्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ए फर्स्ट वर्टिब्रा गलत है जी, ए स्कैपुला है क्या नहीं, क्लेविकल है, ए इलियम है क्या नहीं, ए क्लेविकल, ए क्लेविकल ए की ऑप्शन बी स्कैपुला, सी ह्यूमरस, डी रेडियस, ई अल्ना और एफ कार्पल और मेटाकार्पल। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखनी है भैया, ये जो थंब की तरफ पाई जाती है, थंब की तरफ मतलब ये वाला अंगूठा है और अंदर वाली जो बोन यहाँ पर बनेगी और ये कौन सी कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और जो छोटी वाली अंगुली की तरफ मिलेगी बाहर की ओर ये अल्ला कहलाती है। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये दरअसल बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, अपन बता दें कि ये गोला है जी, इस गोले के सेंटर से पेरिफेरी की ओर ये इसकी रेडियस कहलाती है। अब अगर मैं इसको मेरी हथेली को इस गोले पर लगाकर फिर मैं रेडियस को मापना चाहूं, तो इसको यहाँ पर लगाकर अगर इससे मापना चाहूं रेडियस, तो इस प्रकार से रेडियस हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी बिल्कुल, ये अंगुली नहीं आ रही है टिल्ट होकर। लेकिन यहाँ अगर बात करूं तो ऑपोजेबल थंब है, तो थंब जो है वो रेडियस को मापने में काम आ रहा है, तो थंब की तरफ वाली रेडियस बन जाएगी। ऐसे ट्रिक याद रख लो, क्यों चले आगे क्वेश्चन नंबर 25 जी। ये स्कल का ना लेवलिंग वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये तो फ्रंटल होगी, ये वाली पैरेटल, ठीक है, ये मैक्सिला, ये अपर जो मैक्सिला, ये हाइड, तो ए का हाइड दे रखा है, नो भाई नो, ए का मैक्सिला दिया हुआ है क्या, पैरेटल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। और भी अगर बता दें तो ये जो है आपकी टेम्पोरल हो जाएगी, ये ऑक्सिपिटल हो जाएगी, और उसके बाद में ये अगर मैक्सिला तो ये मैंडिबुलर हो जाएगी, दिस वन इज मैंडिबुलर, ये वाली मैंडिबुलर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लें तो ये वाली जो है ये अपनी स्फिनोइड और ये वाली जो बोन बनेगी ये एथेमोइड कहलाती है, ये वाली स्फिनोइड है, ये वाली एथेमोइड कहलाती है, क्यों, और ये यहाँ पर जो है ये नेजल बोन बनी जाती है, एथेमोइड जो सर ने देखा वो इंटरनली है, ये वाली मत समझ लेना अभी, हाँ ये नहीं है, ये वाला अंदर वाली, ये वाला पोर्शन जो है ये एथेमोइड का बन जाता है। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 26, What is not true about human skull? Dicondylic होती है। Dicondylic होती है। 6-year ossicle। बिल्कुल। It includes 14 facial bone। Hyoid bone not included। नहीं भैया, include की जाती है। Include की जाती है। तो correct option option number। Amphibian और mammal में dicondylic skull याद रखनी है। हाँ, amphibian और mammals में dicondylic होती है। उसके अलावा fishes, reptiles और avid में monocondylic skull कह रहा है। Next 27। Correct description है। कुछ कोई पार्ट है ह्यूमन नॉर्मल स्केलेटन के तो करेक्ट देखना अपने को, देखते हैं पैरेटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर जॉइंट बाय फाइब्रस जॉइंट, अभी बात की भी की थी, सुचर्स जी, इमूवेबल या परफेक्ट जॉइंट है, परफेक्ट जॉइंट है, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस नहीं, नो वी नो, एटलस होना चाहिए पहला एटलस और दूसरा जो एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, और जो एटलस है वो आर्टिकुलेट करती है ऑक्सिपिटल कोंडाइल के साथ, कोंडाइल के साथ, ठीक है, और फिर 9th और 10th pair of ribs are called floating में। No. 11th and 12th. 11th and 12th हो जाएगा। 8th, 9th और 10th जो false कहला रही है। Glenoid cavity is a depression to which humerus जुड़ती है ना? बिल्कुल। थाई बोन गलत हो। तो इसके अंदर अगर वहां पर थाई रखते हो तो यहाँ तो एसी डेवलप करना है, तब सही, और यहाँ पर अगर glenoid रखते हो तो यहाँ पर आपको फीमर करना है, क्यों जी, चले आगे, अपर आर्म बोन हो जाएगी जी। नेक्स्ट 28 जी, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम की बात है। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है व्हिच इनहिबिट्स स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। स्लाइडिंग का ऐसा कुछ ऐसा कोई भी क्योंकि ये रिसेप्टर जो है उस पे एंटीबॉडी जनरेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसी लेवल पर जो डीपोलराइजेशन को ही रोक देता है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने के करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ये तो रॉन्ग हो गया, inflammation of joint due to extra deposition of calcium and uric acid के crystals हो जाएंगे भैया, तो ये भी गलत हो गया। muscular dystrophy age related shortening of a muscle कहलाता है, age related ये dystrophin protein age related नहीं है, वो तो osteoporosis था, बिल्कुल, osteoporosis decrease in bone mass and higher chance of fracture with advancing ये वाला age, बिल्कुल ठीक बात है, advancing age के साथ में ये वाला correct option चला जाएगा। next 29 जी, करेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, ह्यूमन के अंदर लोकोमोशन के रिस्पेक्ट में एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लेमेशन, सही है, तो आंसर ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, और देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम में 10 थोरेसिस वर्टिब्रा 12 होना चाहिए बता रखिए, 12 होनी चाहिए, और
जो पास पास की वर्टिब्रा इनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हां फाइब्रस नहीं, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, ये तो परफेक्ट जॉइंट हो गया, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होना चाहिए था, तो ये तीनों ही गलत हो गए, रुपया देखना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया जमाने कंडीशन जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चों में तो रिकेट्स बोलते हैं, बच्चों में इसे रिकेट्स कहा जाता है और एडल्ट में ये क्या कहलाती है, ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा, यानी विटामिन डी की अगर कमी होगी तो फिर इंटेस्टाइन जो है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये पहला ऑप्शन जस्ट दिया है, इन्फेंट तो नहीं होगा, इन्फेंट ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके लिए अगर नाम देना चाहें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें अपन बात करें अकेले प्रोटीन की वजह से होगा तो पशु को कहला जाएगा, क्यों, और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो फिर मरा मरा मेरा आसपास, अरे याद करो स्टार्टिंग वाला अपना, ठीक है। ऐसे ही इन्फेंट्स ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, एक्चुअल में ये दिन सर जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें बर्थ के समय नो डाउट विटामिन के की डेफिशिएंसी होती ही होती है, और इसी की वजह से उनका क्लोटिंग टाइम जो होता है वो थोड़ा सा हाई भी होता है, तो यहाँ पर हीमोरेजी कंडीशन बन जाती है, अगर डेफिशिएंसी जो है इन्फेंट्स में विटामिन के की हो जाए, चोट लगने पर उनका ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पाता है, ज्यादा देर तक ब्लड बहता रहता है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 31, जी सर, तो मिसमैच देखना है जी, ठीक है, पहले वाले मान से बता दिया था ना, एक मिनट देख लेते हैं अपन क्या है, ये चला गया ना, हाँ, थर्ड चला गया, बिल्कुल है ना, क्वेश्चन नंबर 31 मिसमैच देखना है, कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन एंड इट्स कैटेगरी, ठीक है, स्टर्नम एंड रिब्स, मतलब ये स्टर्नम और रिब्स, ये एक्सियल स्केलेटन हो गया, बिल्कुल ठीक की बात है, क्लेविकल और ग्लेनोइड कैविटी, पेल्विक गर्डल कैविटी, क्लेविकल और ग्लेनोइड, पेल्विक नहीं, पेक्टोरल होना चाहिए, पेक्टोरल हो जाएगा, इसलिए ये वाला गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया, ह्यूमरस और अल्ना जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन परफेक्ट है, बिल्कुल ह्यूमरस एंड अल्ना अपेंडिकुलर में आएंगे, और मेलियस और स्टेपेज ईयरोसिकल हो गई, ईयरोसिकल तो कोई नहीं, इनकरेक्ट पूछे तो थर्ड मैच सेकंड हो गया, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, क्यों, क्वेश्चन नंबर 32 वही है, पेयर ऑफ जॉइंट एंड लोकेशन इज करेक्टली मैच, तो यदिन सर हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो हिंज जॉइंट अपना बन जाएगा कौन सा, मतलब इसमें अपने को करेक्टली मैच देखना है, करेक्टली मैच, अच्छा करेक्टली मैच नहीं करना इनको, तो हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा नहीं, वर्टिब्रा के बीच में तो कौन सा, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कहां पर, यहां पाया जाता है, और इसके अलावा जैगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्री, ये भी पहले बता दिया है, तो ये वाला क्या चला जाएगा, करेक्ट पेयर चला जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल में पाए जाते हैं, फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट सूचर्स बताए हैं, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फेलेंजीज पाए जाते हैं, नहीं फेलेंजीज में फाइब्रस जॉइंट की बात नहीं होती, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जैसे लेटरल व्यू में जैसे एक ये वर्टिब्रा है, बिल्कुल, और एक वर्टिब्रा इसके नीचे उनकी बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में कार्टिलेजिनस पैड आ गया ना, ठीक बात है, तो सुनील जी ये वाले जो इनके पॉइंट है, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये इनफीरियर है, बिल्कुल, तो इनके बीच में यहाँ पर ये साइनोवियल टाइप का जॉइंट है ये वाला, बिल्कुल, जो जाइगोपोफाइसिस बोला गया, बिल्कुल, इसी तरीके से इसकी सुपीरियर और इसके ऊपर वाली जो है उसकी इन्फीरियर, हाँ, तो इनके बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर ये वाला जॉइंट मौजूद है, ये पाया जाता है, जी ये वाला अपना कार्टिलेजिनस हो गया, ये कार्टिलेजिनस, दोनों टाइप के जॉइंट हो, ठीक कहा, और ये जो प्रोसेसेस बताए हैं किसी भी वर्टिब्रा के नीचे अगर होगा तो इसको तो कहेंगे पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, और किसी वर्टिब्रा के ऊपर की तरफ होगा तो प्री जाइगोपोफाइसिस के नाम से, सुपीरियर इन्फीरियर भी, या सुपीरियर इन्फीरियर भी कहा जाता है, जी 33 हो जाएगा, Which of the following options shows the correctly matched bone? जी मैच करना है इनको with its pair है ना? हाँ डायरेक्ट देखना है अपने को। कार्पल्स की अगर बात करें तो कार्पल्स कहाँ हो जाएंगी? रिस्ट रीजन में, रिस्ट रीजन में बोन देयर फ्रॉम सेकंड हो जाएगा। सेकंड टार्सल्स एंकल में हो जाएंगी? जी सिर्फ फोर्थ। और फेलेंजीज जो है वो अंगुलियों में, फिंगर और टोज में हो जाएंगी? फर्स्ट। और मेटाटार्सल की अगर बात करें तो हथेली में हो जाती है, सोल ऑफ फिट, ओ सॉरी टार्सल पैर के सोल में, और मेटा कार्पल्स की बात कर लेना तो हथेली की बात आ जाती है, तो ये सोल वाला हो जाएगा, तो ये जो है ये अपना कौन सा आ गया, इतने सब थर्ड है ना, थर्ड थर्ड, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 34 इन व्हिच ऑप्शन द नंबर ऑफ बोन ऑफ टू कॉरेस्पोंडिंग पार्ट आर नॉट द सेम, ठीक है, सेम नहीं है, थिक एंड अपर आर्म, थाई एंड अपर आर्म, तो वहां पर एक एक बोन हो गई, हाँ सिंगल सिंगल हो गई, और ये वन होती है, ये वन होती है जी, सोल और पाम, बिल्कुल यहाँ पर भी अपन सेवन सेवन कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं सॉरी फाइव 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 है, तो सोल में फाइव है, यहाँ पर फाइव है, पाम में तो मेटाकार्पल, ये मेटाटार्सल, जी बिल्कुल ठीक है,
और एंकल और रिस्ट, ये गड़बड़ हो गया। रिस्ट में तो आठ है और वहां पर सात है, यहाँ एंकल में टार्सल्स कितनी होती है, सात ही होती है, उस एक की कमी पटेला पूरी कर देते हैं। और लेग और आर्म में 30-30 होगी, यहाँ पर 30 है, यहाँ भी 30 है, क्यों जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका आंसर इसमें आंसर नोट द सेम पूछा था, हां नोट द सेम का मतलब हो गया थर्ड नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन आएगा ये दिन सर। ए क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेजिंग ए बॉल इन द फील्ड, मतलब इस तरीके से बिल्कुल हाँ ऐसे कह सकते हैं, या फिर ग्राउंडेड जा रही है गेंद तो उसके पीछे दौड़ रहा है केवल वो, ठीक है ना, तो वो झुका है ना ही उसने गेंद उठाई है, ठीक है, मतलब दौड़ रहा है उसके केवल दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया ना फास्ट चेजिंग, चेज कर रहा है उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बोन आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मोमेंट, इसका मतलब दौड़ने में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो बोन अपने को बतानी है। तो फीमर हो गया, मेलियस नहीं भैया ये नहीं होना चाहिए था, बाकी तो ठीक है। पेल्विस, अल्ना, अल्ना का क्या रोल है ये दिन सर? कोई रोल नहीं है यहाँ पर। स्टर्नम का कोई रोल नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही बात कर लें, टार्सल फीमर मेटाटार्सल टीबिया, तो ये सारे इसमें वैसे देखे तो आदमी मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग दौड़ने में जो काम में आ रही है, दौड़ने में जो काम में आ रही है, नहीं एक्चुअल में देखें तो स्टर्नम का भी पार्टिसिपेशन नो डाउट रहेगा। ऐसे तो हर एक का है, वो अगर कैच इट तो वो कैच कर रहे हैं ठीक बात है, उस समय ऊपर भी देख रहा है, वर्टिब्रा भी काम में आ रही है, हेड भी पीछे की हो जा रहा है, तो पूरा बॉडी का स्केलेटन, बाकी ये कि दौड़ने में जो है तो वो अपना फोर परफेक्ट चला जाए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ी सी लगानी होती है, ठीक है भैया। तो ये आज का लेक्चर जो है ये सर अपना कंप्लीट होता है, असल कालक बता दिया था, ठीक है, और आज अपन ने बोन बता दिया, आज अपन ने बोन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। एनिमल किंगडम से शुरू हुआ था बिल्कुल, फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, फिर अपना फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी बिल्कुल, और उसके लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है बच्चों। तो ये आज जो पोर्शन आपको करवाया है, नो डाउट आप जो है इसको एनसीईआरटी से भी अच्छे से स्टडी कर लें, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे, हमने कोशिश की है मैक्सिमम थ्योरी भी आपको इसके साथ में करवाने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जितने सर इजाजत लें बच्चों से, बिल्कुल ओके, जय श्री कृष्ण।